सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, व्हाट्सअप ने अपना एक न्यू फीचर लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सअप से यह किसी को पेमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले व्हाट्सअप से किस तरह से आपको पेमेंट करना है, किस तरह से आप बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना, आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, घंटे प्रेस करिए, ताकि यूट्यूब से ऐसी रिलेटेड वीडियो आपको सुन के मिलती रहेगी। चलिए मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप को जैसे ओपन करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ये व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको साइड में यहाँ पे थ्री डॉट इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको शो करता है। यहाँ पे आपको किसी के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो करता है, तो मैं मुझे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे फॉलो करना, वहाँ पे हमको ट्वीट करना है, हमको इंस्टाग्राम पेमेंट का ऑप्शन चाहिए, वहाँ पे आपको मैं पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे भेजूँगा। चलिए यहाँ से देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट, आपको यहाँ देखिए ऐड मनी मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए पूरी बैंक की आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जो भी बैंक इसमें ऐड करना चाहिए वो बैंक यहाँ पे आपको सर्च करना, अगर ये बैंक नहीं आता तो वो बैंक यहाँ पे सर्च करेंगे। जो मैं बैंक ऐड करना चाहता हूँ, मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाई VI SMS, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे के लिए आपको परमिशन मंगला, आपको यहाँ पे अलाउ दे देना है, फिर से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे वेटिंग करना है, आपको यह वेरीफाई करेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये वेरीफाई यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ए बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड, यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसके नाम से खाता वो खाता नंबर यहाँ पे आपको शो करता है। देखिए यहाँ पे नीचे में आपको देखिए ये मेरा खाता है, इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा यहाँ पे बैंक यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे का ये UPI ID यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे जो मैंने बैंक यहाँ पे ऐड करा वो बैंक आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे और भी बैंक ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करने से बैंक को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए QR जनरेट, मैंने इस पर क्लिक करा तो इस पर क्लिक, ये मेरा QR कोड वो ये मेरा है यहाँ का। आपको पेमेंट करना चाहते हैं, देखिए आपको यहाँ पे नीचे में शो करेगा न्यू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करना यहाँ पे दो तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट इसको कर सकते हैं, सेंड टू ए UPI ID से कर सकते हैं, यहाँ पे QR स्कैन करके आपको भी आपको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सेंड टू ए UPI ID पे क्लिक करा, उसका आपको UPI ID यहाँ पे डालना है। चलिए यहाँ पे मैं UPI ID जैसे मैं यहाँ के एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे UPI डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक करना। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा देखिए यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है। उसके बाद जितना भी पेमेंट इसको आप करना चाहते हो वो पेमेंट यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रुपीज़ में यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैंने 1 रुपीज़ डाला। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, देखिए आपको यहाँ पे UPI ID अगर आप सेट करके, तो आपको यहाँ पे UPI ID सेट करना पड़ेगा। अगर पहले सेट है तो यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे, अगर आपको UPI ID सेट नहीं है तो यहाँ के डोंट टिक ऑन यहाँ पे UPI ID, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक आपको कॉन्टैक्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे ATM का आपको 6 लास्ट का डिजिट आपको नंबर डालना, यहाँ पे डेट एक्सपायरी मंथ डालना, आपको वेरीफाई कार्ड पे क्लिक करना। चलिए पूरी डिटेल यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरीफाई इस पर कार्ड पे क्लिक करा तो यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, यहाँ प्लेस विथ ए, यहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग करने का रहा। कॉल पे OTP आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ रिटेक कर लगा। आपको यहाँ पे सेट UPI आपको यहाँ पे पिन बनाने के रहा, ये पिन बनाएंगे तभी आप किसी को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिन यहाँ पे बना लेता हूँ, मेरा ये जो कोड आया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटेक लेगा, चाहे पे मैं पिन बना लेता हूँ। ओके पे क्लिक करना, ओके फिर से आपको वही पिन डालना कंफर्म, ताकि ये पिन कंफर्म हो जाए। चलिए यहाँ पे मैं पिन डाल लेता हूँ। ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ये थोड़ा यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, मैंने वहाँ पे पिन डाल दिया है, थोड़ा प्रोसेसिंग यहाँ पे, थोड़ा आपको यहाँ पे वेटिंग करना है। योर UPI पिन फॉर बैंक अकाउंट सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक करना। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे एक आपको कंफर्म पिन बनाना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं कंफर्म पिन यहाँ पे मैं डाल दूँ। ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने में देखिए प्लीज श्योरिटी, आपको यहाँ पे देखिए ये 1 रुपीज़ वहाँ पे पहुँच चुका है, जिसको मैंने ये पैसा सेंड करा वो पैसा पहुँच चुका है। इस तरह से आप किसी को व्हाट्सएप की दवा किसी को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए सेंड टू, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने में थोड़ा ये यहाँ पर प्रोसेसिंग यहाँ पर ले रहा है।
पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना। अब जिसको जितना पेमेंट करेंगे यहाँ से पेमेंट किया जिसका यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखना चाहते हैं, जितने आदमी पैसा भेजेंगे सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। यहाँ पे कर सकते हैं पैसा पैसा उसी बंदा को पे कर सकते हैं जो बंदा आपको व्हाट्सअप वहाँ पे व्हाट्सअप पेमेंट वहाँ पे यूज करता है उसी को पेमेंट वहाँ पे कर सकते, नहीं तो आप किसी को वहाँ पे पेमेंट अदर आदमी को नहीं कर सकते। वो पेमेंट वहाँ पे व्हाट्सअप पेमेंट प्रूफ वहाँ पे यूज करता है तभी से वो पेमेंट कर सकते, नहीं तो किसी को पेमेंट नहीं कर सकते। इस तरह से आई होप ये वीडियो को समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करेगा नीचे पूछ सकते हैं।